यूं तो संसार में कई तरीके के लोग हैं जो आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन एक परोपकारी, एक कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति, एक सैनिक और एक सद्गुरु ऐसे व्यक्ति हैं जो मरने के बाद भी अमर हो जाते हैं अपने कार्यों से। इन्हीं व्यक्तियों के लिए मैंने ये कविता लिखी है। कविता का शीर्षक है दीप नहीं बुझते। कि चहुमुख फैली आपा धापी, नरमे पूरी पशुता व्यापी, पर हित का है पड़ा अकाल, सब्ज बाग का फैला जाल। एक किनारे मैं को रखकर, पर हित का जो रूप है धरते, दीप नहीं बुझते। और दूसरे किस तरीके के व्यक्ति हैं, कि भ्रष्ट की बोल रही है तूती, कौओं को मिल रहे हैं मोती, रिश्वत का बजा है डंका, नाच रहा नर गोकर नंगा। एक अकेली निष्ठा लेकर, कर्तव्य मुखी बन जो नहीं है रुकते, दीप नहीं बुझते। और तीसरे किस तरीके व्यक्ति हैं, एक सैनिक, कि जाड़ा गर्मी या बरसात, दिन दोपहर या हो रात, तूफानों से वो टकराए, चट्टानों से हाथ मिलाए, तो लहू की अंतिम बूंद बहाकर, सीमा पर जो है मर मिटते, दीप नहीं बुझते। और एक सदगुरु, कि जन्म मरण का चक्र है सच्चा, बचे न कोई वृद्धा बच्चा, हर प्राणी पर काल की छाया, माया मोहने जाल बिछाया, काल के चंगुल से छुड़वाकर, प्रभु घर तक जो साथ में रहते, दीप नहीं बुझते, दीप नहीं बुझते, दीप नहीं बुझते।